वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन से रिलेटेड चैप्टर से मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन को। यहाँ दिया हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वोवेल्स है, ठीक है, टू वोवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, डॉटर ये वर्ड है, यहाँ पर ये है डॉटर। इस तरह से डॉटर वर्ड से हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पहले हम अरेंज कर लेते हैं वोवेल जो है कितना है और इसको कॉन्सोनेंट को। वोवेल मेरे पास क्या है, ए है, ठीक है, उसके बाद क्या है, यू है, उसके बाद है मेरे पास ए यू हो गया, ये हो गया और ये ई, यही ना, थ्री हो रहा है ये, ठीक है। और कॉन्सोनेंट को भी देखते हैं, कॉन्सोनेंट जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये डी होगी, जो रिमेनिंग जो बच रहा है वो सब कॉन्सोनेंट में ही आएगा। डी जी हो रहा है, एच हो रहा है और ये टी और ये आर, कितना है टोटल, ये फाइव है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है, ये विथ और विदाउट मीनिंग है, मतलब किसी भी तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख लेते हैं पहले, ये डॉटर में तो मेरे पास कितना है, थ्री वोवेल्स लेना है, टू वोवेल्स लेना है इसको। तो टू वोवेल्स इसको कैसे करेंगे, थ्री में से थ्री सी टू वेज में चला जाएगा और इसमें से क्या करना है, कॉन्सोनेंट थ्री लेना, तो फाइव सी थ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमको क्या करना है, लेटर जो बनाना है ये डॉटर से, तो इसमें मेरे पास कितना लेटर का यूज होगा, इसमें टू और इसमें थ्री, तो इसको फाइव लेटर्स का यूज होगा, ठीक है, वर्ड बनाने के लिए। तो फाइव लेटर्स को देखो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर विथ और विदाउट मीनिंग, कोई भी इसमें मीनिंग से कोई मतलब नहीं, कोई भी लेटर कहीं भी हो सकता है, यानी वो फैक्टोरियल फाइव वेज में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखते हैं, पहले ये जो सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमको करना है टू भवेल, ये लिखते हैं पहले है, ठीक है, टू भवेल एंड थ्री क्या है, कॉन्सोनेंट्स है ना, कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन, अरेंज्ड इन क्या हो जाएगा, ये थ्री सी टू इंटू फाइव सी थ्री वेज, ये चीज आ जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है मेरे पास फाइव लेटर्स, ये जो फाइव लेटर्स जो बन रहा है इसमें से टू और इधर थ्री, तो यहाँ पर आएगा फाइव लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, इसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज इन अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल फाइव वेज, ठीक है। तो ये आपस में फैक्टोरियल फाइव वेज हो गया ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विद और विदाउट मीनिंग दिया हुआ है, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, ये हमको करना है हाउ मेनी वर्ड्स निकालना है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमको फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, ये थ्री सी टू इंटू फाइव सी थ्री इंटू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल फाइव। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री सी टू को, तो ये इसको हम अगर शॉर्ट में करना चाहें तो ये एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर भी होता है, ठीक है। तो थ्री सी क्या कर सकते हैं, थ्री सी थ्री माइनस टू, इस तरह से कर सकते हैं ना, एक बार लिख के दिखा देते हैं, थ्री माइनस टू भी कर सकते हैं इंटू क्या कर सकते हैं, फाइव सी फाइव माइनस थ्री भी कर सकते हैं इंटू क्या हो गया, ये फैक्टोरियल फाइव, ठीक है। और फैक्टोरियल फाइव का वैल्यू हम जानते ही है। अब ये क्या हो गया मेरे पास, थ्री सी वन हो गया इंटू फाइव सी टू हो गया इंटू फैक्टोरियल फाइव, मीन्स क्या हो गया, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है, इसका ये 120 होता है। अब थ्री सी वन का मतलब क्या होगा, थ्री, ठीक है, और ये फाइव सी टू का मतलब क्या होगा, टू टाइम्स है, तो फाइव इंटू फोर बाई ये टू इंटू वन, ठीक है। और ये आ गया आपका, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 120, ये दो बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, थ्री इंटू ये हो गया 10 हो गया इंटू 120, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, ये इसको अगर हम इधर से करते हैं तो थ्री इंटू 1200, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12 थ्री जा 36 होता है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 3600, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नंबर ऑफ वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। टू में दिया हुआ है यहाँ पर हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग
ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन वर्ड बनेगा इसे, एट ए टाइम सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, ठीक है। इसमें जो दिया है कितना वर्ड हम बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग इक्वेशन से, ठीक है, जिसमें क्या करना है, वोवेल्स एक साथ आएगा और कॉन्सोनेंट एक साथ आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन जो वर्ड है, इक्वेशन में वोवेल कितना और कॉन्सोनेंट कितना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेंगे, ई क्यू इस तरह से वर्ड को लिख लेते हैं इक्वेशन जो है, ठीक है। अब इसमें से वोवेल को सेलेक्ट करते हैं, जो मेरे पास वोवेल्स है, ठीक है, क्या है, ई है और क्या है ये यू है ना, ए है और ये क्या है आई और ये ओ है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट जो है मेरे पास, कॉन्सोनेंट इसमें क्या बच गया, कॉन्सोनेंट बच गया यहाँ पर क्यू टी और ये एन, वर्ड काउंट कर लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि एक साथ लेना है वोवेल को, मतलब एक बॉक्स में हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, वोवेल्स जितना उसको हम एक बॉक्स में ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको एक ही लेके, एक बॉक्स में मतलब एक ही उसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये जो हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया क्यू टी एन मेरे पास, यानी दो ही डिजिट दो ही लेटर्स का वर्ड बनेगा, तो इसका वेज कितना हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा इसका, इसको अरेंज करने का आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वोवेल्स को, वोवेल्स को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे 5 वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन, क्या हो जाएगा ये टोटल 5 है ये, और ये टोटल कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 वेज होगा, ठीक है। इसमें विद और विदाउट मीनिंग है, बाउंडेशन कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर कितना 3 कॉन्सोनेंट्स है, 3 कॉन्सोनेंट्स है, इसको भी अरेंज करते हैं आपस में, 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 वेज, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अब ये जो आपस में जो बन रहा है, ठीक है, ये मेरे पास एक एक साथ ले रहे हैं, मतलब एक ही उसको मानेंगे, ये एक साथ ले रहे हैं, ये दो डिजिट का जैसे बनता है, मान लेते हैं ए और बी को करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, या तो हम ए बी लिख सकते हैं या फिर बी ए लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा फैक्टोरियल 2 वेज में जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसको हम करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपस में जो बनेगा ये, अब यहाँ पर लिखेंगे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड लिखते हैं यहाँ पर, इन कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 वेज, ठीक है, क्योंकि हमको दो ही डिजिट का बनाना है, इसमें इसको एक साथ लेंगे, इसको एक साथ, तो दो ही वेज में होगा, या तो इधर से या इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको जो बनाना है इसमें क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आ गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, काफ़ी लंबा जाएगा ये, देख लेते हैं, 2 इंटू 1, ठीक है, 1 को लिख भी सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा टोटल ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोटल कितना फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120, ठीक है, ये हो गया 6 हो गया और ये हो गया ये 2, यानी कितना हो गया 120 इंटू 12, 12 इंटू 12 144 और एक 0, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इतने तरीके से हम इसको वर्ड्स को बना सकते हैं इक्वेशन से, जिसमें क्या रहेगा, एक वोवेल्स को एक साथ लेना है, कॉन्सोनेंट को एक साथ लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवेन है, इसमें दिया है कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। कमिटी में जो है कितना है, 7
का बनाना है, ठीक है, एक कमेटी बनाना है 7% का, ठीक है, पहले लिख लेते हैं यहाँ। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, 3 में दिया हुआ है, कमेटी जो बनेगा, ये कमेटी बनेगा ये 7%, ठीक है, 7% रहेगा इसमें कमेटी में, ठीक है, जिसमें क्या है, जो ये फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, मेरे पास टोटल कितना है, ये 9 बॉयज है ना, ये आउट ऑफ हो रहा है, आउट ऑफ हो रहा है 9 बॉयज, और क्या दिया है यहाँ पर, 4 गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट में दिया है यहाँ पर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सेकेंड में दिया है यहाँ पर एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, और ये थर्ड में दिया है यहाँ पर एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले वन का देखते हैं, वन में क्या दिया, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज करेंगे, नंबर ऑफ वेज इन वीच क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, जिसमें मेरे पास रहेगा 3 गर्ल्स, क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना चाहिए, तो मेरे पास गर्ल्स कितना है, 4 है, तो इसका वेज कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, हमको टोटल 7 चाहिए, ठीक है, तो बॉयज कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 3 हम गर्ल्स लिए तो बॉयज 4 लेना पड़ेगा, टोटल कितना बॉयज है, 9, तो 9 से 4 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 से 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3, 4 से 1 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और इसको ये तो ठीक ही है, या फिर ये भी कर सकते हैं 9 से 5 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 9 माइनस 4 9 से 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 से 5 हो गया, तो इसको लिखते हैं 4 से 1 मीन्स 4 हो गया, ये 9 तक, ये 5 तक जाना पड़ेगा, 9 इंटू हो गया 8 इंटू हो गया ये 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 यही ना, ठीक है, ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये कट गया, नहीं तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, NC4 ही इसको रहने देते हैं, ठीक है, तो 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है, इसको नहीं लिखते, 4 टाइम्स तक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 1, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सॉल्व कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 4 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 6 2 टाइम्स में, और ये 2 2 भी कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7, तो आ गया 9 इंटू 8 इंटू ये आ रहा है यहाँ पर 7, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 72 इंटू 7, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 72 जब 14 हो गया, ये 4 हो गया 1, 7 49 और 1 50, तो 504, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 504, नंबर ऑफ वेज इन विच क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स अगर रहेगा तो, ठीक है, ये NC4 में ही हम कर दिए, NC4 क्या होगा, मतलब 4 बार लेना है इधर से और इधर से, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट जो है, एटलीस्ट दिया है 3 गर्ल्स, ठीक है, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देखो इसको कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड हो जाएगा ये नंबर ऑफ वेज, ये जो आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गर्ल्स हमको लेना है, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 3 गर्ल्स लेना, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास टोटल गर्ल्स कितना है, ये गर्ल्स है मेरे पास इसमें 4 गर्ल्स है और 9 बॉयज है, ठीक है, टोटल मेरे पास जो है 4 गर्ल्स है और 9 बॉयज है, ये मेरे पास है ना, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 3 गर्ल्स कम से कम लेना है मिनिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम 4 से 3 ले सकते हैं, मतलब 4 में से 3 गर्ल्स ले लेंगे, और हमको 7 का बनाना है, ठीक है, 7 मेंबर्स बनाना है, तो क्या करेंगे, बॉयज हमको कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 9 से 4, या फिर और आ गया तो यहाँ पर एंड, या फिर क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस लगा देंगे, ठीक है, एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और में क्या होता है, प्लस होता है, तो एक दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 से 4 भी हो जाएगा, ये 4 में से 4 गर्ल्स को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला गया है,
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वॉज हमको 9C3 लेना पड़ेगा, ठीक है, यही होगा ये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, अब ये कितना आ जाएगा, 4C3 को हम 4C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 4C1, इसको वही रहने देते हैं, 9C4 रहने देते हैं, ठीक है, और स्मॉलेस्ट में करने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारा 4C4 कितना हो गया, इसका 4C0 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम 4C4 ही लिखते हैं, ठीक है, और 9C3 है ये, ठीक है, 9C3 को 9C3 ये लिख रही है, अभी हम ये कर लिया, अब इसको हम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। थीके? तो 4C14 हो गया इंटू 9C4, मतलब 4 टाइम्स तक जाएंगे, 9 × 8 × 7 × 6 भाई कितना हो जाएगा, ये 4 × 3 × 2 × 1, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे करके हम लिख भी देते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 हुआ ना, तो 4 बार ले लेते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 भाई कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 ये हो गया इंटू, अब 9C3 को 9 × 8 × 7 भाई 3 टाइम्स है, तो 3 × 2 × 1 ये पूरा कट गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिए, अब इससे ये 2 टाइम्स में और ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से देखो, इसमें से हम इसको कर देते हैं 3 टाइम्स में और इसमें से इसको कर देते हैं 4 टाइम्स में, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 9 × 8 × 7, ठीक है, प्लस आ जा रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 4 1 आ रहा है यहाँ पर, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, पूरा टर्म ही कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया ये 3 × 4 × 7, इस तरह से केस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना हो गया, 72 × 7 प्लस हो गया ये हो गया 12 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 72 × 7, इससे पहले भी हम अभी मल्टीप्लाई किए थे, कितना आ रहा था इसका, 504, ठीक है, 504 प्लस आ गया ये 84, ठीक है। तो अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है, ये 588, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना वेज से हम इसको शो कर सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट क्या रहेगा, 3 गर्ल्स रहेगा, ठीक है। अब थर्ड में क्या करना है, इसमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स लेना है, ठीक है। तो 3 गर्ल्स हम किस तरह से ले सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम 0 गर्ल्स ले सकते हैं, तो हम क्या कितना लेना पड़ेगा, 7 बॉयज लेना पड़ेगा, या फिर अगर हम 1 गर्ल लेते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 बॉयज लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, 2 गर्ल्स लेते हैं तो 5 बॉयज लेना पड़ेगा, या फिर 3 गर्ल्स लेते हैं तो 4 बॉयज लेना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा इसमें हमको। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो आएगा इसमें, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा, ये 0 लिए तो 4C0 हो गया, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 7 लेना पड़ेगा हमको बॉयज, तब गर्ल्स अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर कितना टोटल बॉयज कितना है, 9 है, तो 9 से 7 हो गया। अब इसमें इसमें अगर हम 1 गर्ल लेते हैं, टोटल 4 गर्ल्स है, तो 4C1 इंटू कितना हो जाएगा, 9C6 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस इसमें से क्या करेगा, 2 गर्ल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 4C2 लिखेंगे, 4C2 लिखेंगे तो हमको बॉयज लेना पड़ेगा 5, 9C5 हो जाएगा, प्लस और जहाँ भी रहता है प्लस होता है, तो ये 4C3 3 गर्ल्स लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बॉयज लेना पड़ेगा, 4C9C4 हो गया ये, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, 4C0 का वैल्यू कितना होता है, 1 हो गया, इंटू क्या हो गया, ये 9C7 है, तो इसको हम चेंज करके ये भी लिख सकते हैं 9C2, क्योंकि 9 − 7 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 4C1 है, 4C1 मीन्स 4 हो गया, ठीक है। आप इसको 9C6 को हम शॉर्ट में इसको 9C3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये 4C2 तो ठीक ही है, 4C2 को और छोटा नहीं कर सकते, वही आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 9C5 है, ठीक है, तो 9C5 को हम 9 − 5 के 9C4 भी कर सकते हैं, 9C4 कर देते हैं, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 4C3, ठीक है, नहीं 4C3 को 3 − 4C1 भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, ये 9C4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया, 1 × हो गया ये 9C2, मतलब कितना हो गया ये, 1 × 9 × कितना हो गया, 8 / 2 × 1, ठीक है, प्लस हो गया ये 4 × हो गया ये
ये हो गया 9C3 मीन्स कितना हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4C2 मीन्स कितना हो गया 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 इंटू 9C4 है, तो 9C4 इंटू कितना हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 टाइम्स लेंगे ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर ये 4C1 है, 4C1 मीन्स कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4C1 का मतलब 4 हो गया इंटू कितना हो जाएगा 9C4 है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय हो जाएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, इससे ये क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 टाइम्स में जाएगा ये, और ये चला जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स में, ठीक है। ये हो गया, अब इसको यहाँ पर 2 टाइम्स में कर दिए, अब इससे इसको 2 टाइम्स में कर दिए, अब ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या चला गया यहाँ पर 2 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहा है उसी तरह इसमें भी करते हैं 2 टाइम्स में, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से ये 2 टाइम्स में, ठीक है। अब इसका वैल्यू को लिखते हैं सभी को, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 6, 56 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। 56 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 336 आएगा, ठीक है। प्लस ये हो गया यहाँ पर 6 इंटू कितना आ गया, ये आ गया 9 इंटू 7 63 इंटू 2 कितना आ गया 126, ठीक है। प्लस 4 इंटू उसी तरह से सेम चीज़ है तो 126 से होगा 126, इस तरह से आ गया वैल्यू। अब इसका वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आ रहा 36 प्लस 336, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 66 जा 36 हो गया 3 आ गया, 62 जा 12 और ये 3 कितना आ रहा 5 हो रहा ये, ठीक है, 15 हो गया ये 256 हो गया, प्लस 256 नहीं 61 जा 6 हो गया, ये हो गया 756 हो जाएगा, ये 2 आया था ना इसमें 1 आया था ना, 7 हो जाएगा, 756 हो गया ये, प्लस हो गया यहाँ पर उसी तरह से करेंगे, 4 से करते हैं 6 को जा 24 हो गया, ठीक है, 2 आ गया, 8 टू जा 4 टू जा 8 हो गया और ये 2 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 4 1 जा 4 इस तरह से आएगा ये, और यहाँ पर 504 आ गया ये, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जा रहा है, ये 36 प्लस आ रहा 336 प्लस ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा 1260, ठीक है। और सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जा रहा 6612 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 9, ठीक है, 9 और ये 3 कितना हो गया 12 और 1 13 का 3 लिखेंगे 1 कैरी ओवर आएगा, ठीक है, और ये 2 और 3 5 हो गया, 1 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 1 है 1632, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो इसी तरह से आई होप आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके मिसलेनियस के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चंस सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो इस तरह से आप सॉल्व करने का कोशिश करें कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।